नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए आपको डेंगू के घरेलू नुस्खे द्वारा उपचार बता रही हूँ। प्यारे दोस्तों, डेंगू एक खतरनाक वायरल रोग है जिसका वायरस संक्रमित मादा एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से बहुत तेजी से फैलता है। डेंगू के मरीज के लिए पहले 72 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। डेंगू के मच्छर से बचाव एवं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ही डेंगू से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। प्यारे दोस्तों, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, इसलिए मच्छर को पनपने से रोकना ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। अपने घर को साफ सुथरा रखें, कहीं भी जल को जमा नहीं होने दें, चाहे कूलर का पानी हो या फिर बाल्टी का पानी को लगातार बदलते रहना चाहिए, साफ रखना चाहिए। घर के आसपास की जगह पर भी साफ सुथरा रहे तो काफी अच्छा होता है। जहाँ पे पानी ना जमा होगा तो मच्छर नहीं पनपेंगे। डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छर के काटने से बचना, इसलिए किसी भी मच्छर भगाने की दवा का प्रयोग आप अपने घर में अवश्य करें। प्यारे दोस्तों, डेंगू का मच्छर आम मच्छर नहीं होता, यह एक विशेष प्रकार का विषैला मच्छर होता है जिसके काटने से 3 से 5 दिन के भीतर ही शरीर में डेंगू का खतरनाक वायरस फैल जाता है। कभी कभी यह वायरस फैलने में 10 दिन भी ले लेता है। जो लोग शारीरिक रूप से संवेदनशील होते हैं तथा जिनकी प्रतिरक्षा क्षमता कमजोर होती है, उनमें डेंगू रोग जल्दी होता है। विशेषकर बच्चे ज्यादा ही प्रभावित होते हैं। डेंगू के एडिस मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए दिन के समय भी मच्छर से खुद को बचाना बहुत ही जरूरी होता है। डेंगू के शुरुआती लक्षणों में रोगी को तेज ठंड लगती है, उसे सिर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द और आंखों में तेज दर्द हो सकता है। उसे लगातार तेज बुखार रहता है, कई बार चक्कर आने से बेहोशी भी आ जाती है एवं त्वचा पर लाल चकते भी पड़ जाते हैं। सबसे गंभीर समस्या तब होती है जब रोगी की प्लेट्स की संख्या तेजी से कम हो जाती है। खून में प्लेट्स की संख्या तेजी से कम ही होने का हमें अंदाजा तब होता है जब हम अपने खून की जांच कराते हैं। प्लेट की संख्या, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 4.5 लाख तक होनी चाहिए, के स्तर को बनाए रखने के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एकमात्र यही उपाय है कि रोगी को अलग से प्लेट्स चढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पेट का खराब होना, त्वचा का सूखना, उल्टियां लगना एवं निम्न रक्त दाब होने भी इसके लक्षण में शामिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, डेंगू मरीज को यदि समय रहते इलाज ना मिले तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर किसी को उपरोक्त लक्षणों के साथ साथ 2-3 दिनों तक बुखार बना रहे तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं और अपना इलाज शुरू कराएं। डेंगू में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के अतिरिक्त कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, डेंगू से बचने के लिए विटामिन सी यानी आंवला, नींबू पानी आदि का अधिक से अधिक प्रयोग करें। डेंगू का मच्छर अधिकतर दिन में काटता है, इसलिए फुल आस्तीन की ही पैंट शर्ट, महिलाएं फुल आस्तीन की सलवार कमीज पहने और घर में यथासंभव मच्छर भगाने के कोई भी अगरबत्ती, मच्छर भगाने का स्प्रे का उपयोग करें जिससे मच्छर ना हो। डेंगू एक ऐसा वायरल रोग है जिसका मेडिकल चिकित्सा पद्धति में कोई ठोस इलाज नहीं है, परंतु आयुर्वेद में इसका बहुत ही सरल और सस्ता इलाज है जिसे कोई भी कर सकता है। प्यारे दोस्तों, डेंगू बुखार के दौरान रोगी को विटामिन सी से भरपूर चीजें जैसे आंवला, संतरा या मौसमी अधिक से अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। इसके साथ ही हल्दी का भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हल्दी को सुबह और रात को आधा आधा चम्मच पानी या दूध के साथ लें, किंतु यदि रोगी को जुखाम भी हो तो दूध का सेवन ना करें। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को उबालकर शहद के साथ इसका सेवन करें। इन सभी उपायों से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है और शरीर डेंगू की बीमारी से आसानी से लड़ता रहता है। यदि डेंगू का रोग आपके किसी भी जानने वाले को हो, उसमें बताए गए लक्षण दिखें, उसके खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जा रही हो, तो हम जो आज आपको अपने उपचार बता रहे वीडियो के द्वारा उनको जल्द से जल्द आजमाएं। अनार जूस, गेहूं घास रस, सेब का रस, पपीते के पत्तों का रस, गिलोय, अमृता, अमरबेल, सत्व। डेंगू के मरीज को दिन में 3 से 4 बार अनार का जूस देना चाहिए। अनार के जूस से रोगी के शरीर में खून बनता है तथा रोगी की रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। अनार जूस ताजा निकाल कर दे तभी काफी हद तक फायदा करेगा। डेंगू के मरीज को दिन में अनार कई बार खिलाना चाहिए, इससे खून में प्लेट्स की मात्रा कम नहीं होती। डेंगू होने पर ठोस पदार्थों का सेवन न करें, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें।
डेंगू के मरीज को नारियल पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन कराएं। गेहूं घास के रस के लिए गेहूं उगाना पड़ता है जिसमें 7 से 8 दिन लगते हैं। यदि यह उपलब्ध ना हो तो रोगी को उसके स्थान पर सेब का रस भी दिया जा सकता है। सेब का रस भी ताजा ही निकाल कर देना चाहिए। डिब्बे बंद रस से यथासंभव आपकी शरीर की कमियां दूर नहीं हो सकती। डेंगू के मरीज को दिन में सेब भी कई बार खिलाएं। इससे शरीर में ताकत उत्पन्न होती है और उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है, जिससे कि वो डेंगू से लड़ने के लिए काफी हद तक अपने आप को तैयार कर पाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई इस जानकारी से काफी हद तक संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। अगर आपको लगता है कि यह आपके अपनों के लिए भी काफी हद तक लाभप्रद है तो आप प्लीज इसे अपनों तक अवश्य शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।